आईपीएल 2020 ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सबसे ऊंची बोली लगाकर ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर पैट कमिंस को 15.50 करोड़ रुपए में खरीदा। सबसे महंगे बिकने के बाद भी वह पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह का सबसे महंगे खिलाड़ी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए और यूवी अब भी आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में नंबर 1 पर है। युवराज को साल 2015 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने 16 करोड़ की सबसे ऊंची बोली लगाकर खरीदा था और आईपीएल में यह रिकॉर्ड अभी तक टूटा नहीं है। इस बार की आईपीएल में रिकॉर्ड बोली कमिंस पर लगी। उनके अलावा टॉप सबसे महंगे खिलाड़ियों में विदेशी खिलाड़ियों का दबदबा रहा। वहीं पीयूष चावला सबसे महंगे बिकने वाले भारतीय रहे, जबकि उनके अलावा कोई भारतीय फ्रेंचाइजियों को बड़ी बोली के लिए इम्प्रेस नहीं कर पाया। चावला पर चेन्नई सुपर किंग्स ने 6.75 करोड़ की बोली लगाकर अपने टीम में शामिल किया। अब देखने वाली बात होगी कि युवराज सिंह को कौन सी टीम बोली लगाकर खरीदती है। क्या अभी भी युवराज का दबदबा बना हुआ है या युवराज को कम दाम में ही कोई टीम खरीदेगी? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए कि युवराज सिंह किस टीम में जाना चाहिए और युवराज को कितनी बोली लगाकर कोई टीम खरीदे। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब क्रिकेट केसरी पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अमन यादव, पंजाब केसरी, दिल्ली।